जय हिंद बच्चों। केमिकल रिएक्शन, नेमिंग केमिकल रिएक्शन, जी हाँ, नेमिंग केमिकल रिएक्शन वो बला है जो हर बच्चे को परेशान करती है। ये वो चुड़ैलें हैं जो हर किसी के ऊपर हावी होती हैं। ये वो हैं जिन्हें हमें ट्रिक के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से याद करना होगा। बहुत खतरनाक नहीं है, बहुत असंभव चीज़ें नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करिए सब आएगा। तो यहाँ पे तीन रिएक्शन है, सिमिलर है, बहुत कुछ सिमिलर है, तो इसलिए तीन रिएक्शन को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसिलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट बेंजोइलेशन। तो ये है क्या, इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसिलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट बेंजोइलेशन, ये सभी रिएक्शन जो है, इन रिएक्शन में हम एरोमेटिक बेंजीन लेंगे। तो देखते हैं सिमिलरिटी, बहुत कुछ आपको सिमिलरिटी मिलेगी क्या। तो मैं क्या करता हूं, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन जो है, इसमें एक बेंजीन की रिंग ले ले रहा हूं। जो फ्रीडलक्राफ्ट एसिलेशन है, इसमें भी बेंजीन की रिंग ले ले रहा हूं। जो फ्रीडलक्राफ्ट बेंजोइलेशन है, इसमें भी बेंजीन की रिंग लिए ले रहा हूं। सिमिलर, सब में सिमिलर, ठीक। तो ये हो गया आपका बेंजीन, बेंजीन और बेंजीन, ठीक है, ये हो गया आपके बेंजीन। अब उसके बाद में इसकी किसी एक रिएक्टेंट और कोई लेंगे, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, वहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। लेकिन एक और चीज सिमिलर होगी क्या, जो इनमें कैटलिस्ट यूज किया गया है, प्रेजेंस जो है, वो भी सबकी क्या है, बिल्कुल सेम। क्या कि जो आपका फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन है, एसिलेशन है, बेंजोइलेशन है, सभी में एनहाइड्रस AlCl3 यही यूज होगा, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। देखिए सिमिलरिटी क्या मिली, बेंजीन की रिंग तीनों में है, रिएक्टेंट कैटलिस्ट तीनों में है, एनहाइड्रस AlCl3। अब दूसरा रिएक्टेंट जो रिएक्शन करने के लिए साथ में आएगा, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। क्या, जब हम एल्काइलेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एल्काइलेशन की, तो एल्किल क्लोराइड को लेंगे, यानी जैसे RCl, एल्किल क्लोराइड हो गया, RCl हो गया। जब हम बात करेंगे एसिलेशन की, तो एसिलेशन की बात करते समय हम एसिल क्लोराइड लेंगे, यानी RCOCl, ठीक है, ये एसिल क्लोराइड हो गया। और जब हम बात करेंगे बेंजोइलेशन की, तो हम यहां पे बेंजोइलेशन के टाइम पे क्या करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड लेंगे। तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, ये आपका हो गया बेंजोइल क्लोराइड, ठीक। तो अब देखिए बेंजोइल क्लोराइड ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, एल्किल क्लोराइड, ये आपका हो गया एसिल क्लोराइड, और ये आपका हो गया बेंजोइल क्लोराइड, ठीक भाई। तीनों रिएक्शन एक साथ समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर एल्काइलेशन था एल्किल क्लोराइड, एसिलेशन था एसिल क्लोराइड, बेंजोइलेशन है तो बेंजोइल क्लोराइड। अब इनकी होगी रिएक्शन, तो रिएक्शन जो है इसमें फंडा क्या है, सभी में से सीएल को छोड़ दीजिए, कौन बचा, आर, ये यहां पर जाना चाहेगा, इसमें भी सीएल को छोड़ दीजिए, क्या है, आर सी ओ, ये भी यहां पर जाना चाहेगा, इसमें भी सीएल को छोड़ दीजिए, ये बचा बेंजोइल ग्रुप, तो ये भी यहां जाना चाहेगा। जब ये लोग ग्रुप यहां पर अटैक करेंगे, यहां पर अट्रैक्ट होकर जुड़ना चाहेंगे, तो यहां से जो एक हाइड्रोजन एटम होता है, हर एक जगह पर, यहां पे कॉर्नर पे आपको ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, निकलने का प्रयास करेगा अपनी पोजीशन से, और निकल करके जो है किससे मिलेगा, ये जो सीएल है इससे मिलेगा, तो क्या निकल जाएगा उधर, एचसीएल, सभी में निकलेगा एचसीएल, इधर भी एचसीएल निकल जाएगा, ठीक है, इधर भी आपका क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, इधर भी आपका HCl निकल जाएगा, और इधर भी आपका HCl निकल जाएगा।
यहां बेंजीन की रिंग के ऊपर कौन आ गया है, आर आ गया है, तो बेंजीन जो है उसकी रिंग पर आ गया है आर। यहां पर आर सीओ बेंजीन की रिंग के ऊपर आ गया है, तो आपका जो सी ओ आर है ये आ गया बेंजीन की रिंग के ऊपर। और उसके बाद यहां पर देखिएगा कि ये जो बेंजीन की रिंग से सीओ ग्रुप लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा ग्रुप आकर के यहां पे बैठ गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये बेंजीन की रिंग तो हमारी पहले से हो गई, और यहां पर आपका जो है ये सीओ और ये बेंजीन वाली दूसरी वाली रिंग, ये इस तरह से आकर के जुड़ गया। ठीक है, ठीक इस तरह से ये हमारी रिएक्शन हो गई। अच्छा, यहां पर मान लेते हैं कि ये आर जो है ये क्या है CH3, यहां पर भी जो R है हमारा ये हमने मान लिया CH3। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ऊपर कौन जाएगा CH3, कौन जाएगा CH3, तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टॉलुइन, क्या बन जाएगा टॉलुइन। अगर CH3CO ऊपर जाए तो यहां पर भी ये क्या बन जाएगा आपका CH3CO, अब ये क्या हो गया एसिटोफिनोन, ये बन गया आपका एसिटोफिनोन। ठीक है, और उसके बाद यहां पर बेंजीन की ये जब आपके यहां पे जुड़ती है तो ये तो ऐसे रहेगा, और इसका नाम क्या हो जाता है हमारा बेंजोफिनोन। ठीक भाई, तो क्या क्या सिमिलर आपको मिला है यहां पर, हमको देखिए क्या क्या सिमिलर मिल रहा है। हमें यहां पर तीनों में बेंजीन की रिंग मिल रही है, तीनों में एनहाइड्रस AlCl3 मिल रहा है, तीनों में HCl जरूर निकल रहा है। अगर एल्काइलेशन है तो एल्किल क्लोराइड, एसिलेशन है एसिल क्लोराइड, बेंजोइलेशन है तो बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन तीनों रिएक्शंस को पढ़ा, तीनों लगभग सिमिलर हैं, एक साथ पढ़ेंगे समझ में आ जाएंगे, अच्छे से आ जाएंगी। जय हिंद।